डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्शन पोर्टल को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है। पहले वीडियो पूरा देखें, जो पहली बार आए जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, टेलीग्राम पर आपको लिंक एक्टिवेशन की जो इंफॉर्मेशन है, पीडीएफ मॉडल पेपर यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, काफी सारे बच्चों के ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि सर पोर्टल ओपन आखिर होगा कब। उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यूपी स्कॉलरशिप का पैसा आना शुरू हो गया है। किन बच्चों का आना शुरू हुआ है यहाँ आप डेट भी देख सकते हो, पीएफएमएस के थ्रू आया है ना, पीएफएमएस के थ्रू 18/12/2022 के लिए इस बच्चे का पैसा आया है। ये किस कौन स्टूडेंट है, ये बीए का छात्र है ना, बीए सेकेंड ईयर का छात्र है और नाइन्थ टेंथ वालों का स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो गया है, इलेवेंथ ट्वेल्थ वालों का। रही बात पॉलिटेक्निक की, तो उनका अभी नहीं आ रहा है, काफी बच्चों का आना स्टार्ट हो गया है। बात करें सभी का, लगभग 28 से आना स्टार्ट हो जाएगा, 28 दिसंबर से स्कॉलरशिप सभी बच्चों का आना स्टार्ट हो जाएगा। काफी बच्चों का आ रहा है, वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हो काफी बच्चों का स्कॉलरशिप आ भी रहा है ना। अब काफी बच्चों के ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सर हमारे स्टेटस में ये वाली प्रॉब्लम है, इसका क्या सलूशन है, वो भी वीडियो में बताएंगे। करेक्शन पोर्टल को लेकर क्या अपडेट आई, वो भी वीडियो में बताएंगे। पूरा वीडियो जरूर देख लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिन बच्चों की ये वाली प्रॉब्लम आ रही है ना, अगर उनने रीचेक का फॉर्म डाला है, उनके नंबर बड़े हैं, तो उनको करेक्शन करना पड़ेगा। वो कब ओपन होगा वो भी बताएंगे, वीडियो को पूरा जरूर देख लें। एनरोलमेंट नॉट मैच ये वाला शो कर रहा है, तो उनका डाटा है विश्वविद्यालय द्वारा अभी वेरीफाई नहीं किया गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। आपका डाटा वेरीफाई बीटीपी ने वेरीफाई नहीं किया है। अगर आपके कॉलेज से इस तरीके का नोटिस आया है कि जिन बच्चों का जो एनरोलमेंट नॉट मैच यूनिवर्सिटी डाटा प्रायोरिटी हो रहा है, उनको क्या है, प्रार्थना पत्र, पिछले साल का स्टेटस और जो कोर्स है उसका प्रिंट आउट और 2000 इसके स्क्रीनशॉट, मतलब पिछले साल का सारा डाटा आपको कॉलेज में देना होगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है। ये चीजें हैं और यहाँ पर आपको बता दें, काफी बच्चों के स्टेटस वेरीफाई होना स्टार्ट हो गए हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता, यहाँ पर मैं आपको एक नोटिस दिखाना चाहूंगा जो कि हमारे कॉलेज से आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, कॉलेज वालों को हो सकता है पहले ही पता लग गया हो कि जो छात्र छात्रा को जिनका करेक्शन होना है, वे ऐसे छात्र छात्र 19/1/2023, यानी कि ऐसा हो सकता है कि 19 जनवरी से आपका करेक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है ना, 19 जनवरी से 27 जनवरी के बीच आपका करेक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी सबका एक ही साथ खोला जाए, ऐसा भी हो सकता है। और जैसा कि आपको पता है, 2 दिसंबर से 20 दिसंबर तक करेक्शन पोर्टल ओपन करने के लिए बोला गया था, वो ओपन कब होगा आखिरकार, तो गवर्नमेंट है ऐसा भी कर सकती कि 19 जनवरी से 27 जनवरी तक आपका जो करेक्शन पोर्टल ओपन किया जाए, ऐसा भी हो सकता है 19 जनवरी से, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉलेज वालों को फॉर्म जमा करना होगा, ये चीज आप देख सकते हो, कॉलेज से नोटिस आया हुआ है। तो अब बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूजन में बने हुए हैं कि आखिरकार करेक्शन होगा कब। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो सकता है सर को पहले ही पता लग गया हो कि 19 जनवरी से आपका करेक्शन, ऐसा भी हो सकता है, ये भी मतलब ये कि सस्पेंस बना हुआ है। और 2 दिसंबर से 20 दिसंबर बोला गया था, वो तो अभी ओपन हुआ ही नहीं है, वो सब भी आपको पता है। तो वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, विराइज जो पोर्टल है स्कॉलरशिप का, उस पर ले जाकर आपको लाइव दिखाते हैं। देख सकते हो यहाँ पर टाइम 7:22 हो रहा है अभी इवनिंग के, ठीक है। यहाँ पर आपको रिन्यूएबल वाले पे क्लिक करना है, अगर रिन्यूएबल के हो फ्रेश है तो फ्रेश पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्लिक करेंगे और पोस्ट मैट्रिक उधर इंटरमीडिएट पर क्लिक करेंगे, अगर पॉलिटेक्निक के बीए बीएससी के छात्रों सारी डिटेल यहाँ फिल करेंगे। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप जैसे ही लॉगिन करोगे फिर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप जब यहाँ पर क्लिक करके देखोगे यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर ऑप्शन ये वाला है लेकिन इसमें हो ही नहीं रहा है। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे क्या है पूरा प्रोसेस, पहले आप वीडियो को पूरा। यहाँ पर देखिए आपको फोन को रोटेट कर लेना होगा इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जा रहा ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करोगे होता ही नहीं है क्योंकि वो लिंक अभी एक्टिवेट ही नहीं किया गया है। एक्टिवेट कब किया जाएगा, 2-4 दिन यानी कि 25 या फिर 23 के समथिंग आपका ओपन हो सकता है, दिसंबर के समथिंग। अगर नहीं हुआ तो सभी के एक साथ होगा, 19 जनवरी से 27 जनवरी के मध्य सभी के एक साथ हो सकता है, जैसा कि नोटिस में सरगोज सर ने बताया था। यहाँ पर अभी ये ऑप्शन काम ही नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्लिक करोगे ओपन ही नहीं होता है। अब वैसे करेक्शन को पोर्टल का जो लिंक है यहाँ पर आता है ना, आवेदन पत्र को संशोधित करने वाला ऑप्शन यहाँ पर आता है, बट वो अभी आया ही नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के साथ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके क्लिक कर सकते, चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस, वो भी आप यहाँ से चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आप वहां पर क्लिक करके अपना स्टेटस देख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। इसकी समस्या क्या है, अपने कॉलेज में एप्लीकेशन वगैरह देंगे और ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा एप्लीकेशन देने के साथ, क्योंकि अभी बीटीयूपी ने इसको फॉरवर्ड नहीं किया है, ठीक है। यूपी स्कॉलरशिप के लिए भी मैंने आपको दिखा दिया।
अगर आपके स्टेटस में इस तरीके से शो कर रहा है तो इसका मतलब है आपका स्कॉलरशिप भेज दिया गया है ना। इसका मतलब तो ये आपकी स्कॉलरशिप के खाते में आ गई है, इस तरीके का अगर शो कर रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि सर हमारा देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ रहा है, बट जब हम ओपन कर रहे हैं तो ओपन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक जो लिंक हो सकता है काफी बच्चों के आ गया हो, लेकिन जब उसको टाइप करते हो तो ओपन ही नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हो सकता है सभी का करेक्शन एक साथ किया जाए, अगर नहीं होता तो 2-4 दिन में आपका पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा, इंतजार करो, ठीक है। यह जो समस्या आ रही है ये वाली एनरोलमेंट नॉट मैच वाली, तो अभी तक देखिए कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं किया गया, बहुत सी यूनिवर्सिटी से फॉरवर्ड नहीं किया गया है। जो समस्या आ रही है आप समस्याओं का समाधान मैंने बता दिया क्या क्या इनका समाधान है, और करेक्शन पोर्टल तो अभी फिलहाल ओपन नहीं हुआ है, जैसी होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। अभी आप टेंशन ना लो कि बहुत से बच्चे टेंशन में पड़े हुए थे, तो आप लोगों ने देखा कि फिलहाल अभी करेक्शन ओपन नहीं हुआ है, जैसा कि मैं बता दिया हूं आपको, और सर से भी नोटिस आ चुका था कॉलेज से, तो हो सकता है सभी लोगों के करेक्शन 19 जनवरी से किया जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा होता है 2-4 दिन में जो पहले फॉर्म भर दिए थे उनका करेक्शन पोर्टल ओपन कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब देखना यह होता क्या है, जैसी होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।